गाइज वेलकम बैक टू द चैनल लैब दुगुना, और आज आपके लेके आए एक बढ़िया सा ओल्ड ब्रांड का न्यू बियर। तो ओल्ड ब्रांड से ये कह रहा है, ओल्ड मंक हमें पता है बहुत पुराना ब्रांड है, आज़ादी से पहले का ब्रांड है और काफ़ी अच्छी खासी हिस्ट्री है इस ब्रांड की। आपसे बोला भी था कि इस सीज़न में हम ओल्ड मंक को काफ़ी सारे ब्रांड, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड रिव्यू करेंगे। इस बार इन्होंने ओल्ड मंक की बियर लॉन्च करी है, और जहाँ तक मेरे को याद है ओल्ड मंक की विस्की भी मार्केट में आई है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैंने जहां तक मेरे को पता है। बियर का मिथ्या वाज ने खत्म कर दिया। बियर तो आई है, विस्की देखेंगे। विस्की आई होगी तो विस्की भी आपके लेके आएंगे। तो बियर सामने दिख रही है, मैं तो पहली बार, मैं आज लिटरली इसको पहली बार ट्राई करूंगा। ये प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर है बिल्कुल, और अप टू 8% तक का इसमें अल्कोहल लिखा हुआ है, ठीक है। 500 ml के दो कैन भाई लेके आए। अब इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, पोर करना स्टार्ट करें, आप जल्दी से जाकर रेसिपी देखें। बिल्कुल, we'll be right back.
तो गाइस रेसिपी आपने देखी ली होगी कितनी इंटरेस्टिंग है और कितनी बढ़िया है, घर में बनाना है क्योंकि ये रेसिपी जो है सब लोगों को पसंद आती है। तो इससे पहले की देर ना करें, जल्दी से पहले टूट पड़े टूट पड़े। यस, आप अपना आधा उठाओ अपना आधा। तो ये हमारा मैंने आपको इसकी रेसिपी डाल दी है, ज़रूर चेक करना, ठीक है। या फिर अगर नहीं भी बना रहे हो, रुमाली रोटी घर पे हो, कुछ भी उसके बीच में डाल के आप रोल बना सकते हो। मेरा तो ये कहना है थोड़ा बहुत सॉस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। पहले मैं बना चटनी के लिए सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग ही डालना, पर ज़्यादा है मैं बताता हूँ अभी से, हाँ, ताकि आप ये गलती ना करो। जब मैंने मैरिनेशन में सॉल्ट डाला था, फिर उसके बाद चटनी बनी, चटनी में भी सॉल्ट था, तो उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, एडजस्ट कर लें। प्रॉपर मील है, हाँ, तब तो फिर आपको पता है हमारी मील में सॉफ्ट ड्रिंक नहीं होती, हमारी मील में तो बियर मिलेगी या बिस्किट मिलेगी, हाँ, लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, जो आपको पसंद आए। हमने कुछ समय पहले कुछ स्टिंग वगैरह के भी हमने रिव्यूज़ करे थे जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक थे, तो आप नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हो, उनके रिव्यूज आपको हमारी चैनल पे मिलेंगे। तो बात करते हैं बॉटल की, बॉटल में जो डिज़ाइन दिया हुआ है ना, सबसे पहले बात करते हैं बॉटल में डिज़ाइन करो, जो उनकी बेसिक वाली जो बॉटल है बिल्कुल वही डिज़ाइन इनको बट कर रखा है उन्होंने, वही जिग-जैग वाला डिज़ाइन दे रखा है और लिखा भी हुआ है ओल्ड मॉक ओरिजिनल। तो बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर है और 8% के थ्रू आती है, और इसमें लेकिन एक चीज़ बहुत अलग लगी, आप बताना कि सही है कि नहीं, सेल ऑफ अल्कोहल टू द पर्सन बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज इज प्रोवाइडेड। अब बेसिक एज हो गई है 21 साल की, 25 साल से हटा के, ठीक है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है ये, हाँ, ठीक है। वैसे जहाँ तक मेरे को याद है दिल्ली में मिनिमम 25 थी, अब 21 कर दी होगी, ठीक है, देखेंगे अपडेट जो भी होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये सही है गलत है। हाँ, तो 21 साल से नीचे के लिए तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है मना है। हाँ, और इसमें एक और चीज़ है, इंग्रेडिएंट में इसमें मेंशन है, देखो बार्ली राइस हॉप माल्टेड बार्ले ये सब तो है, ठीक है, हाँ, ये सब तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो चाहिए होता है। इसमें कार्बोनेटिंग एजेंट, यानी कि मेरे को लग रहा है इन्होंने एक्स्ट्रा कार्बोनेशन ऐड किया है इसको, ताकि थोड़ा सा फिजी ज़्यादा फील हो, और शुगर भी ऐड किया है ताकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील बने, ठीक है। तो जो शुगर पसंद नहीं करते हैं अपने बियर में और ज़्यादा कार्बोनेशन पसंद नहीं करते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हमारे लिए भी ये पहली बार है, तो आज ही चेक करेंगे। बियर के साथ हमारे बहुत गलत गलत एक्सपीरियंस हो चुके हैं बैकग्राउंड में, तो बहुत ध्यान प्यार से, क्योंकि कुछ बोतलें भी गलत ही होती है भाई। हाँ, वो ऐसा नहीं था कि एक ही बोतल के साथ या तेरे साथ दिक्कत आई है, हम दोनों के साथ दिक्कत आई, हम दोनों ने उसको खोला है। हाँ, सेम कंपनी के दो बियर का रिव्यू करा, दोनों के साथ सेम ही चैलेंज आया हमारे साथ। मैं इसके प्रोसेस से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं, थोड़ा ठीक से डालो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डालो, क्या पता उससे आए। हमने वो बहुत प्यार से डाली, वो हम डर गए हम पिछले वाले इंसिडेंट से डर गए मैं तो डर गई। ओहो, ये ले इसमें फ्रॉपे, इसको ट्राई कर, अच्छा है। मॉल्ट और बार्ले का ना पूरा आ रहा है इसके अंदर, थोड़ा सा सिट्रसी, थोड़ा बार्ले वाला मॉल्टी जो फील होता है, स्ट्रॉन्ग। ये आपको मिस्टर क्लियर दिख जाएगी, इसमें फ्रॉस्ट भर भर के बड़ा हुआ है। क्वालिटी वाइज मैं कहूँगा कि क्लियरिटी अच्छी है, फिल्ट्रेशन अच्छा है, फिल्ट्रेशन अच्छा है, कलर भी अच्छा है, मेरे को कलर बिल्कुल बढ़िया लगा, नीचे से जो ये बुलबुले साइड में बबल्स आके अब अच्छा लग रहा है। अब सबसे मेन काम होने वाला है कि तड़प रहा हूँ मैं, हल्की सी कड़वाहट है बियर के अंदर, हल्की सी, थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी मेरे। हाँ, नए प्लेयर हैं बियर की कैटेगरी में, रम नो डाउट बहुत अच्छी बनाते हैं, बट बियर में को लग रहा है अभी भी इनको फ्लेवर के साथ थोड़ा और खेलना पड़ेगा, रम वाली कड़वाहट नहीं देनी थी इसमें, है ना, थोड़ा सा ना जो कॉम्प्लेक्सिटी छोड़ो, नॉर्मल फ्लेवर भी जो आने चाहिए थे वो इतने खास नहीं है। हाँ, मतलब बियर को पीने के बाद एक जो माउथफुल वाला जो फील आता है ना, वो नहीं आ रहा बियर के अंदर,
ये ड्राई थोड़ी सी लगेगी आपको, बहुत जल्दी नीचे चली जाती है, कुछ माउथ फील कुछ छोड़ के नहीं जाती है, तो ड्राई फील होगी आपको ये। थोड़ा सा मॉल्टेड बार्ले जो है ना वो माउथ में फील होगा आपको, जो आफ्टर टेस्ट है इसका। मैं एक बार में कंप्लीट करूंगा, इससे ज्यादा मैं घूमूंगा फिरूंगा। फीकी भी आ रहा एडेड शुगर है इसमें, बट शुगर जैसा ज़्यादा फील होता नहीं है, मीठी ज़्यादा नहीं लगती, बट ये है कि कोई ज़्यादा फ्लेवर प्रोफाइल भी नहीं है। अगर आपको याद हो, मैं उसको मैंने अपना ना स्टैंडर्ड बना रखा है वर्स्ट बियर में, तो वेव की बियर पी थी हमने। हाँ, हाँ तो वन ऑफ दी वर्स्ट बियर पी थी, मतलब पैसा वेस्ट वाली, तो ये थोड़ी सी ऊपर है, उससे ज़्यादा नहीं है मतलब। तो मतलब आजकल इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी बियर आ गई है, इनको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी बियर से। बहुत ज्यादा मेहनत की थी बियर के लिए तो। हाँ बाकी हाँ, फिर भी कितने रुपए है भाई? वही 100-200 रुपये की आती है जो कैन हुई है। 110 रुपये 500 ml, हाँ ठीक है, 110 रुपये का प्राइस सेगमेंट। बट फिर अगेन मैं प्रेफर करूँगा कि 20-30-40 रुपये एक्स्ट्रा डाल लूँ, एक अच्छी बियर, एक अच्छा टेस्ट पीऊँ, क्योंकि बियर इंसान किस लिए पीता है? टेस्ट के लिए पीता है, एंजॉय करने के लिए पीता है। अब सस्ती के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा तो नहीं पी सकते, मैं तो नहीं पी सकता। ये तो मैं 20-25 रुपये एक्स्ट्रा डाल के एक अच्छी बियर ज़रूर खा लूँगा। आजकल बी यंग बहुत अच्छी बियर है, ठीक है, आपका क्या कहते हैं बडवाइजर, ठीक है, वो थोड़ी महंगी पड़ती है बट मेरी फेवरेट में से एक है। मीरा है, मीरा हो गई, मिलर एस हो गई, ये अच्छी भी है, बहुत अच्छी भी है। नो डाउट इनका प्राइस ज़्यादा है, बट देन अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा महंगा पे कर लूँगा, बट बियर को पीने का मज़ा ही है, उसके टेस्ट हाँ है ना, तो टेस्ट आना चाहिए। बाकी ये हमारा रिव्यू था, आई होप आप भी ट्राई करना, आप बताना आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना कैसा अगर लगा आपके आपके स्टेट में अवेलेबल है, क्योंकि मैंने इस जगह देखा नहीं है। अगर आपके स्टेट में कहीं पे अवेलेबल है जरूर बताना कहाँ अवेलेबल है, कितने की मिल रही है। टेस्ट की वजह से मैं रियली डिसअपॉइंटेड हूँ, फीकी सी बियर है इसके अंदर, बियर वाला ना वो मज़ा नहीं है। बियर फीकी है, चखना अच्छा है, ठीक है, चखना जीत गया भाई, मैं सही बात कहूँगा कि बियर में मज़ा नहीं है, चखना सही है। तो ये था हमारा रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया हो। आई होप आपको चखना पसंद आया हो। ऐसे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ऐसी साथ बना के रखना, प्यार बना के रखना, अच्छे वीडियो आगे लगे। कुछ हमारे सब्सक्राइबर है वो बोल रहे थे, यार आपका चैनल ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है, आप लोग इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हो। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग ना, जब हमें टाइम मिलता है ना, तब हम इंजॉय से वीडियो बनाते हैं। हम लोग उस भेड़ चाल में नहीं चल रहे हैं जो लोग वीडियो बनाते जाते हैं और पैसे बनाने के लिए। हमने चैनल ही स्टार्ट इसलिए करा था ताकि हम अपने रिव्यूज़ तुम्हें बताएं और हम इसको इंजॉय भी करें साथ में। तो हमारा पर्पज़ वही रहता है हमेशा से, जब भी हमें टाइम मिलता है हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, और आपका प्यार भी बना रहेगा साथ में, तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। थोड़ी मेहनत करेंगे थोड़े टाइम बाद, जैसे हमें टाइम मिलेगा उसके लिए। देखो धीरे धीरे हम भी ग्रो कर रहे हैं, और आपका प्यार तो हमारे साथ बना हुआ है। जो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, मैं फॉलोअर्स बोलना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, बट सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और बहुत सारी हमें बार बार मजबूर करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी नए वीडियो लेके आए। हाँ कभी कभार डिले हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आए। बिल्कुल, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, और जल्दी से मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए चखने, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से, राहुल की तरफ से, और लाइफ दोगुना की तरफ से, चीयर्स। चीयर्स।